महाभैष्णव जी गुरु तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए उपरांत हक वंचित असहाय कमेरा और वंचित समाज में जन्मे सैकड़ों संतों गुरु महापुरुषों को नमन करता हुआ हम सबके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एवं संविधान के बाद जिन लोगों ने बहुजनों के लिए सामाजिक धार्मिक राजनीतिक आर्थिक और सरकारी सेवाओं से जुड़ी हुई ऐतिहासिक क्रांति करने का काम किया वो सभी लोग जिन्हें हम वरिष्ठ नागरिक कहते हैं वो सभी सम्मान के योग्य हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। आज बेहद खुशी का दिन है। ऐतिहासिक मऊ की पावन धरती पर जो बहुत ही नजदीक सारनाथ के है जहां पिछले कई सालों से 25-30 सालों से धम्म की क्रांति और मिशन का आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा है। आप लोग पड़ोसी हैं जौनपुर के, आप लोग पड़ोसी हैं बलिया के, आप लोग पड़ोसी हैं आजमगढ़ के, जो एक बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है कि जहां बहुजन समाज बहुत बड़ी संख्या में रहता है। चूंकि इधर हमारा अभी कार्यक्रम नहीं था, अभी हमारे कार्यक्रम बरेली साइड में थे, लेकिन चूंकि हमारे महाउपासक यहाँ के बड़े चहेते नेता बलिहारी बाबू जी हमारे बीच में नहीं रहे, इसलिए श्रद्धांजलि सभा को आयोजित करने के लिए मुझे कार्यक्रम आपके मऊ राजमगढ़ में लगाने पड़े। ये अगले चरण में नंबर आता आपका। तो आज मऊ के लिए, मऊ के निवासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि बाबा साहब का खून आपके बीच में बैठा है। आज मैं बहुत ज्यादा आदेशित और निर्देशित नहीं करूंगा, कुछ जरूरी बातें हैं जिनकी आवश्यकता आज है उसकी चर्चा करूंगा। आज के 2500 वर्ष पहले तथागत भगवान बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं को आदेशित किया था और भगवान बुद्ध का आदेश था चरक भिक्ख विचारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। तथागत भगवान बुद्ध की बात जिन बौद्ध भिक्षुओं ने मानी वो लोग अपने बहरों में नहर लेकर गांव गांव गली गली नगर नगर जाकर के उनके दर्शन को उनकी विचारधारा को उनके उपदेशों को फैलाने का काम करते रहे। और कुछ लोग जो बाबा हिंदू बाबा होते उनकी नकल करने लगे, जैसे हिंदू बाबा अपने बैठ के मठ में खाता है वही सबको बुलाता है बोल वचन देता है भविष्य सवाल देता है दिन अच्छे कर देता है, वैसे ही परंपरा जिन बौद्ध भिक्षुओं ने डाली वो एक जगह बैठ गए, वो इस विचारधारा के किसी काम के नहीं रहे बल्कि वो खाना खा करके संसार से चले गए। लेकिन अपेक्षा तथागत भगवान बुद्ध की थी कि ऐसे भिक्षु हों जो गांव गांव नगर नगर शहर शहर जाए। मैं अपने आप पर गर्व करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अब तक हमने 12,000 गांव का भ्रमण किया है। 12,000 गांव ही नहीं, 17 देशों की यात्रा है। और ऐसा स्टेट कोई नहीं उत्तर देश भारत का कि जहां हम गए नहीं है, जहां हमने धम्म का कार्य नहीं किया। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आज इस कार्यक्रम की हमें जरूरत क्या पड़ी। आज के 2 वर्ष पहले जब मैं आजमगढ़ में आया था राहुल सांस्कृतिक प्रेक्षा गृह में हमने कार्यक्रम किया था, मऊ के भी कुछ लोग गए होंगे, गए थे वहां, हमने तथागत भगवान बुद्ध से लेकर के आज तक माननीय कांसीराम साहब तक ऐसे लोगों का चित्र दिखाया था, उनका जीवन बताया था कि जिनके हम एहसान मंद है। ये आंदोलन भगवान बुद्ध के बाद बाबा साहब के पास नहीं आया, ये जो गलतफहमी लोगों में हो गई थी उनको दूर करने का काम किया। मैं बताता हूं मऊ के लोगों, तथागत भगवान बुद्ध के बाद चाहे राजा प्रसन्नजीत हो, चाहे राजा बिंबसार हो, चाहे अजात शत्रु हो और चाहे वो पाली नाई हो,